देश में कश्मीर मुद्दे को लेकर तमाम तरह की अफवाहें और चर्चाएं चल रही हैं और धारा 370 को लेकर कश्मीर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, जिसे लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और सभी राज्यों की पुलिस सतर्कता बरत रही है। लेकिन विश्व भर में जाने जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को ही बम से उड़ाने की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दे डाली, जिसकी वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फोन आने के बाद से ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है और धमकी भरे फोन करने वाले शख्सियत की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तलाश में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए BDS और सर्विलांस टीम सहित 7 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। यह फोन वृंदावन कस्बा प्रेम मंदिर के रिसेप्शन पर गुरुवार की शाम 3:05 पर किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था और फोन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और प्रेम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। जब से ही पुलिस महकमे की नींद उड़ी हुई है, फिलहाल पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ कर रही है। रिसेप्शन पे करीब 3:05 पे एक नंबर से फोन आया कि मैं प्रेम मंदिर और जन्मभूमि को बम से उड़ा दूंगा। इस काल पे फिर हम लोग सर्विलांस के माध्यम से CDR वगैरह निकलवा करके जो नंबर था उसको हम लोग उस पर काम करना शुरू किए। मुन्ना सनाफ अजीज आरओ जय सिंहपुरा खादर का रहने वाला है, जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है। इसको हम लोग जब लेकर के आए पकड़ के, तो इसका ये कहना था कि परसों ये ऑटो चलाता है मुन्ना, इसका कहना था कि परसों यानी 6 तारीख को एक टूरिस्ट यहाँ आया था और उससे कहा कि हमको पूरा वृंदावन मथुरा घूमना है। 1800 में इन लोगों का सौदा तय हुआ था और इस बात पे ऑटो लेकर के चलने को तैयार हुआ। तो जो टूरिस्ट था या जो भी आदमी जो फ़ोन कर रहा है, उसने कहा कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, इस बात पे इससे मोबाइल ले लिया बात करने के लिए, ये अपना ऑटो टर्न करने लगा, इसी बीच वो मोबाइल लेकर के चला गया और इसी के मोबाइल से वो जगह जगह फ़ोन कर रहा। अभी तो हम लोगों ने जैसा CDR के माध्यम से ट्रेस किया है, ये प्रेम मंदिर के अलावा भी कई जगह फ़ोन किया है, जैसे GRP कासगंज का भी नंबर है, GRP आगरा का भी नंबर है, इसके अलावा भी अन्य जगह सरकारी स्थानों पर जैसा प्रतीत हो रहा है कि इसने जगह जगह इसी ढंग की कॉल कर